नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। वीटो लोशन से सफेद दाग से मिलेगा छुटकारा, स्किन की सभी बीमारियों से दिलाएगा निजात। वीटो लोशन अब आपके शहर में। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। चिलचिलाते धूप में माल वाहन टेम्पो को धक्का देते ये लोग इस रेस से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, ये जनपद गाजीपुर के जमनिया के गंगा घाट के किनारे का दृश्य है। यहाँ आए दिन ही इस तरह के दृश्य आपको देखने को मिल जाएंगे और स्थानीय लोगों को घंटे जाम से जूझते हुए भी आप देख सकते हैं। इस मार्ग पर पुल तैयार हो चला है, लेकिन अप्रोच के निर्माण नहीं होने से यातायात अभी तक बहाल नहीं किया जा सका है। सड़कों को नगरी जीवन की जीवन रेखा कहा गया है। अगर यह ना हो तो इंसान को कितनी समस्या हो सकती है, इसकी कल्पना मात्र से ही किसी को भी परेशानी हो सकती है। लेकिन सड़कों के बिना अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए जमनिया के लोग रोज ही इस जद्दोजहद से गुजरते हैं। ऐसे में स्कूली बच्चों को स्कूल जाने में भी लेट हो जाता है, तो कभी गंभीर मरीज समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते। यातायात के लिए सरकार ने पीपा पुल का विकल्प तो दिया है, लेकिन यह भी बरसात के दिनों में हटा दिया जाता है, तो कभी कभी भारी वाहनों और ओवरलोड ट्रैक्टर के आने जाने से यह क्षतिग्रस्त भी हो जाता है। मना करने पर स्थानीय लोग पुल कर्मचारियों के साथ हाथापाई करने पर भी उतारू हो जाते हैं। ये जाम लगा हुआ है और यहाँ पर कोई व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। प्रशासन ने पीपा का पुल तो चालू करा दिया है, पर यहाँ आम आदमी को आने जाने की कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। देखा जा रहा है कि अभी रेलवे राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी का के द्वारा कहा गया था कि मार्च तक ये पुल आवागमन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी तक लग रहा है कि मई आ गई, अभी तक ऐसा नहीं हुआ। और लोगों को इधर से आने जाने में दिक्कतें भी हो रही है। सबको दिक्कतें हो रही हैं। देखिए कब तक चालू होता है, कब तक लोग आते जाते हैं। इस सड़क से भारी वाहन भी आवागमन है, इस पर क्या कहना है आपको? अब ये तो सरकारी तंत्र मशीनरी की फेल है, जो इस व्यवस्था को रोकने में नाकामयाब है। पीपा पुल के कर्मचारी भी नहीं दिखे हैं जाम को हटाते समय। कर्मचारी यहाँ दिखे नहीं हैं जाम को हटाने वक्त, और नहीं यहाँ की व्यवस्था ये दिखे। यहाँ जो पत्थर लगे हुए हैं उनकी भी हालत क्या है। आप कहाँ से कहाँ पढ़ने जाते हैं, किस स्कूल? सर, मैं सेंट मेरी स्कूल पढ़ने जाता हूँ जमाने। कहाँ से जाते हैं, घर कहाँ है आपका? तो कैसे जाते हैं स्कूल आप? सर, साइकिल से जाता हूँ। दिन? यस सर। तो क्या मतलब समय से स्कूल या घर पहुंच पाते हैं इस रोड से? नो सर। पीपा पुल से? नो सर। क्यों? सर, जाम लग जाता है पुल पर और बहुत दिनों और बहुत घंटों इसी में रहना पड़ता है। और आप देखिए सर कि अभी ये जाम लगा है आपके पीछे। क्या इसमें कोई कर्मचारी वगैरह नहीं है? वर्कर लगते रहते हैं काम में? देख रहे हैं सर कि इधर कोई कर्मचारी नहीं आ रहा है, मतलब पब्लिक ही लोग हटा रहे हैं। यस सर। आए दिन समय से स्कूल और घर पहुंच जाते हैं इस रास्ते से? नहीं। टाइमिंग क्या है यहाँ से जाने का स्कूल आपके? 7 मिनट। आने का? 11:30। तो घर कितने देर में पहुंचते हैं आप आए दिन? 1 बजे। 1 बजे? डेढ़ घंटे। कितना? 1.5 घंटे लग जाते हैं। हाँ। कितना किलोमीटर घर है आपका? 3-4 किलोमीटर। मतलब और जाम अगर मिल गया है, अभी तो देखा जा रहा है 12:30 बज रहा है, कितने बजे तक घर पहुंचेंगे आप? 2 बजे। 2-3। कि आपके घर वाले परेशान नहीं होते हैं? मेरा नाम त्रिविहान आनंद है और मैं जमनिया का रहने वाला हूं। जमनिया इस पीपा पुल से आप कहां से कहां जा रहे हैं? जी, मैं जमनिया इस पीपा पुल से धर्मपुर होते हुए गाजीपुर जा रहा हूं। और इस पीपा पुल को देखते हुए तो हालत इतनी ख़राब है, इसकी यातायात इतनी व्यस्त है, इतनी ख़राब है कि इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। देख सकते हैं अब एक बार पास कैमरा। कितना आप इस सड़क पर देखा जा रहा है कि करीबन जाम लगा है, कितने देर से? अरे, हम लोग 2-3 घंटे से लग गया हुआ जाम है इस पर। क्या इस दौरान कोई ये पीपा पुल के कर्मचारी आप लोगों को हेल्प किए हैं गाड़ी निकालने में? कोई भी नहीं आया अब तक, कोई पूछने तक भी नहीं आया। देखा जा रहा है कि इस पे लिखा है पीपा पुल पे कि भारी वाहन वर्जित है। इस सड़क पे पुआल लदा हुआ ट्रैक्टर जा रहा है, क्या ये भी जाम का कारण है? हाँ, जाम का कारण ये भी है एकदम। जमनिया के लोगों को इंतजार है कि कब उनसे रूठी किस्मत मानेगी और एक दशक से ज्यादा समय में तैयार हुए कंक्रीट के पुल का अप्रोच मार्ग तैयार होगा और उन्हें पीपा पुल के जाम और जहमत से मुक्ति मिलेगी। हाँ, भारी वाहन जाने से ये होता है, रोका जाता है, लेकिन ये सब रुकते नहीं है।
क्यों नहीं रोकते हैं? इधर रोकते पर क्या कहते हैं? हाँ, कहते हैं कि नहीं, हम इधर तो खेती किए हैं और लेकर जाते हैं सब, और अतु करने पर झगड़ा करने के लिए अतु हो जाते हैं। अगर इस पीपा पुल से होके हुए आदमी जा रहा है, अगर रेती में फंस गई गाड़ी, तो क्या उसको निकालने के लिए क्या पीपा पुल के स्टाफ उसमें मदद करते हैं राहगीरों की? हाँ, वैसे थोड़ा बहुत तो मदद करते हैं, लेकिन मेरे पास स्टाफ नहीं है उतना जाकर उतना मदद करें। पांटून पर यदि कोई ऐसी बात होती है तो मदद करते हैं। अभी देखा जा रहा है कि धर्मरपुर साइड रेत पे कई गाड़ियां फंसी हुई थी, पिछले 3 घंटे से मीडिया की टीम भी वहां खड़ी थी, लेकिन कोई आपका कर्मचारी दिखा नहीं? नहीं, उधर रेत पर काम कर रहे थे कर्मचारी, फंसी गाड़ी का नहीं काम कर रहे थे, कर रहे थे और दूसरी तरफ कर रहे थे, प्लेट सीधा उधर कर रहे थे। वो पहले जरूरी है, रेत की गाड़ियों को हटाना जरूरी है पहले? नहीं नहीं, यदि फंसी गाड़ी आदमी कम है, 4-5 आदमी है, वो अपना कार्य कर रहे हैं, प्लेट चदर जगह प्लेट सीधा कर रहे हैं। अभी गाजीपुर में धर्मरपुर कटरिया और जमनिया को जोड़ने वाला पीपा पुल कब तक रहेगा? 15 जून तक, 15 जून के बाद टूट जाता है। क्या 15 जून से पहले ये जो जमनिया वाली जो पुल है स्टार्ट हो जाएगा? नहीं, क्या लगता इसके है? इसके बाद नाव चलने लगती है, मतलब पीपा पुल टूट जाने पर नाव चलने लगती है। ये मार्च में स्टार्ट होने वाला था पुल, क्या ये नहीं अभी नहीं? अभी नहीं। कितना समय है? अभी अप्रैल में ज़्यादा समय लगेगा।